Welcome again to the next topic of biology chapter 1, that is nutrition in plants. So जब हम लोग nutrition in plants की बात करते हैं, plants autotrophic होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. So for that they need photosynthesis. उसमें एक process होता है photosynthesis. ये एक main topic है. अगर अभी chapter की बात करो, plants के nutrition की बात करो, photosynthesis होता क्या? Process by which plants make their own food इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब वो फूड अपना बनाते हैं तो उसमें कोई रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, दैट इज CO2 एंड H2O. H2O मीन्स वाटर. वाटर उनको रूट से मिलता है, रूट से ट्रांसपोर्ट होकर वो लीव्स तक आता है और लीव्स में फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है. CO2 दे टेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर. साइट होता कहाँ पे है फोटोसिंथेसिस? लीव्स में होता है. लीव्स में क्यों होता है, स्टेम में क्यों नहीं होता है? क्योंकि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट और ग्रीन पिगमेंट में ही फोटोसिंथेसिस होता है. ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. 6CO2 रिएक्ट्स विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. C6H12O6 एंड 6O2. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है एंड O2 ऑक्सीजन रिलीज होता है. इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन. जो प्लांट्स होते हैं वो रात में करते हैं, जब उनको सनलाइट नहीं मिलती है तब वो एब्जॉर्ब करते हैं O2 एंड दे रिलीज 6CO2 मीन्स दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. उसमें इवेंट्स ये मेन है आपके इवेंट्स जो है, मतलब पूरा जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में उसमें क्या क्या होता है. सबसे पहले आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. लीव्स में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, ये प्रोसेस बिना सनलाइट के नहीं चल सकता. सो फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सेकेंड इज CO2 टू कार्बोहाइड्रेट. अब जब एब्जॉर्ब होता है वहाँ पर पानी होता है, आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वहाँ पर ये रूट से एब्जॉर्ब होगा पानी, वहाँ पर पानी होगा. सनलाइट की प्रेजेंस में जो CO2 जो एब्जॉर्ब होती है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज की जाती है एंड देन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो इसका एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. सो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, वहाँ पे स्टोर होता है प्लांट्स में. ये सब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं पत्तियों पे, छोटे छोटे स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. सो इसका पॉइंट है स्टोमेटा पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. देन इनका फंक्शन, अभी मैंने आपको फंक्शन बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सेकेंड चीज क्या है, एक बार जब पानी रूट से ट्रांसपोर्ट होकर पत्तियों में आ जाता है, ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो जाता है, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी बचता है वो रूट्स में वापस जाके तो जाएगा नहीं सॉइल में. सो ये ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, ये लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. स्टोमेटा यही पोर्स के थ्रू जो पानी होता है वो पानी बाहर वो लूज करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू. अब जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है ठीक, तो उसको स्टोमेटा के पोर्स को खोलना, जब पानी लूज करना या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना तब उसका खोलना भरना बंद रहना, ये प्रोसेस हम लोगों का गार्ड सेल्स के थ्रू होता है. ये टाइनी पोर्स होते हैं, ये छोटे से पोर्स है मान लीजिए, तो इसके सामने ये गार्ड सेल्स होते हैं. गार्ड सेल्स के चारों तरफ ये अगर ये पोर्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, तो इसके थ्रू ये पोर के चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं. इसके थ्रू आप ये स्वेल होते हैं, इनमें पानी होता है, जब ये स्वेल हो जाते हैं तो पोर बंद हो जाता है और जब इनका खोलना होता है तो वो पानी इसमें से लूज करता है गार्ड सेल और ये खुल जाते हैं. जब ये खुलते हैं तो एक्सचेंज होता है और स्वेल होने के बाद फिर वे बंद हो जाते हैं. सो ये प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का. अब ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मैंने ये टॉपिक उठाया बायोलॉजी का पहले चैप्टर का, इसमें दो और टॉपिक हैं ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि फूड्स और पानी, जो फूड बना है इसमें और जो पानी है वो कैसे पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसलोकेशन इज ऑल्सो वन प्रोसेस.
सो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। एंड इस चैप्टर का खाली एक और टॉपिक बचा है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। आफ्टर दैट ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के नोट्स लेने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल।